नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मौसम के अंदर एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है, और फिलहाल अभी भी जो अपडेट्स मौसम विभाग के द्वारा प्राप्त हो रही है, खास तौर से जो सैटेलाइट इमेज है और इसके साथ साथ में बात करें जो रडार इमेजेस भी जो प्राप्त हो रही है उसके अनुसार किस तरह से मौसम, खास तौर से बात करें तो 25 और 26 तारीख को राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर रह सकता है। इसके बारे में अगर बात करें तो फिलहाल जो ट्रफ रेखा जो कि लगभग गुजरात के आसपास के क्षेत्रों के अंदर या दक्षिणी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई है, वो अभी धीरे धीरे जो है वो उत्तर की तरफ उसके जो बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से जो बारिश का जो मुख्य केंद्र जो कि दक्षिणी राजस्थान अभी बना हुआ था, यानी उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, तो यहाँ से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो उत्तरी राजस्थान के अंदर जो है वो शिफ्ट होने का अनुमान लगाया गया है, यानी बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। साथ ही साथ इस सिस्टम को जो उत्तर भारत के अंदर WD या पश्चिमी विक्षोभ अभी आया हुआ है उसका भी जो है वो सहयोग मिलने की उम्मीद आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर आप जो लगा सकते हैं, यानी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर बारिश की गतिविधियां आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, और उसका असर आपको आज यानी 24 जुलाई को रात से ही जो वो देखने को मिल सकता है कुछ क्षेत्रों के अंदर बादलों की आवाजाही के बीच में, और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियों के रूप में भी कुछ स्थानों के ऊपर आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर उत्तरी राजस्थान के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 25 तारीख के आसपास जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन जिलों के अंदर जो बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है। इन चारों ही जिलों के अंदर जो है वो कुछ स्थानों के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको जो है वो लगभग 25-26 तारीख के आसपास जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर जो है वो जैसलमेर ज़िले के भी कुछ जो है वो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, चाहे आप जैसलमेर ज़िले की बात करें चाहे बाड़मेर ज़िले की बात करें, तो इन क्षेत्रों के अंदर भी बारिश की गतिविधियों के अंदर आपको जो है वो जो बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बीकानेर के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद यहाँ पर बिल्कुल शुष्क मौसम का तो अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियों के अंदर थोड़ी सी कमी आपको जो वो 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ पर जो वो देखने को मिल सकती है। इसी तरह से 25-26 तारीख को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अंदर भी अगर पहले की तुलना के अंदर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों के अंदर थोड़ी सी कमी आपको जो देखने को मिल सकती है। जो सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से जो एक अनुमान लगा पा रहा हूँ मैं, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के अंदर आपको इस बार विशेष तौर से WD और जो अभी सिस्टम बना हुआ है जिस तरह से ट्रफ रेखा उत्तर की तरफ बढ़ रही है, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों के अंदर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर इन जिलों के अंदर भी मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 और 26 तारीख को जो है वो होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ साथ में 25-26 तारीख को ही आपको जो है वो जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर, अलवर के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, पूर्वी नागौर इन क्षेत्रों के अंदर भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम दर्जे की जो है वो देखने को मिल सकती है। कोटा संभाग के अंदर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो यहां पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर आपको जो वो रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां यहां पर जो वो देखने को मिल सकती है। यानी ओवरऑल बात करें तो आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिन राजस्थान के काफ़ी ज़िलों के अंदर बारिश वाले जो रह सकते हैं, जहाँ पर कि उत्तरी राजस्थान के ज़िलों के अंदर विशेष तौर से बीकानेर संभाग के क्षेत्रों के अंदर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ जैसलमेर और बाड़मेर जिले के क्षेत्रों के अंदर भी तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जो आगे आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। आप राजस्थान के अंदर किस जिले से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आप राजस्थान के वेदर से संबंधित अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।